वास्तव में वो जैसे अनाज के पीप की तरह ऐसे गोल गोल नीचे से ऊपर बढ़ रही थी। उसमें काफी अंतर है, जैसे ये गाल मेरे थोड़े, मतलब ये मुंह जो मेरा बड़ा था पहले 74 kg में, वो थोड़ा मेंटेन हुआ है। ये मेरे हाथ थोड़े पतले हो रहे हैं, यहाँ से भी मुझे कुछ कुछ कपड़े जो आते ही नहीं थे पहले अब आने लगे हैं। सो रिजल्ट तो सही में बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों 30 days वेट लॉस चैलेंज जर्नी का आज आखिरी दिन है। कल रात को वज़न था 69 kg 400 ग्राम, अब देखते हैं आज सुबह ये कितना हो चुका है। ये है 68.900, मतलब 68 का नंबर आखिर आ ही गया है कंफर्म। टुडे इज़ द 30th डे, मतलब कि लास्ट डे ऑफ माई 4 kg वेट लॉस इन 30 days चैलेंज। और अभी देखा आपने सुबह ये 68.900 था, मतलब इसको आप 69 तो बोल ही सकते हैं, भले 68 नहीं। और जब शुरुआत की थी मैंने तो ये 74 kg था, तो 74 kg से मैं 69 तक तो पक्का पहुंची हूँ। फिर भी मैं इसको 70 kg बोलूँ तो भी 4 kg वेट लॉस का जो हमारा चैलेंज था वो तो 110% फुलफिल हो ही रहा है। और मैंने जैसे कल आपको बताया था कि अगर आप चाहते हैं कि मैं ये जो मेरी वेट लॉस जर्नी कंटिन्यू कर रही हूँ आगे भी, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ इसको रोज इसी तरह शेयर करूँ, तो प्लीज़ कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा। अगर एक भी यस लिखा होगा किसी एक ने भी, तो भी मैं ये जर्नी आपके साथ पक्का शेयर करूँगी, अदरवाइज आई वुड हैव टू चेंज माई जॉनर। सो देखते हैं अब आप क्या कहते हैं। और वंस अगेन आई एम रेडी फॉर द जिम एंड गोइंग टू जिम। टुडे इज द लास्ट डे ऑफ माई वेट लॉस चैलेंज एंड कम्प्लीटली आई थिंक दैट आई हैव वॉन द चैलेंज। आप भी डिसाइड करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्योंकि ये डे वन को 74 kg था और इतने दिनों की लगातार मेहनत और काफ़ी उतार चढ़ाव के बाद आज फाइनल डे पे ये 68.900 हो चुका है, मतलब 68 का नंबर हमने देख लिया है। तो मैं तो मानती हूँ कि जो 4 kg करना था वो 74 से 70 होते ही टेक्निकली तो वन हो गया था ये चैलेंज, बट एक्चुअल में मैंने ये बताया था आपको। और मैं ये सच में मानती हूँ कि 2 kg का वेरिएशन अगर आप एक भी दिन चीट डे या ज़्यादा खा लेते हैं तो दिखता ही दिखता है, मेरे केस में तो 110% दिखता है। इसीलिए मैंने 70 का इसको 68 तक पहुँचाने का सोचा और वो भी अचीव हो चुका है। दैट्स मीन आई थिंक दैट कम्प्लीटली आई हैव वॉन द चैलेंज। एंड ये सब ऐसे ही पॉसिबल नहीं हुआ, आप सबके सपोर्ट की वजह से ये हुआ। कितने सारे आप जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मुझे बहुत सारा सपोर्ट दिखाया। आप में से कई सारे लोग जो मेरे वीडियोस देखते हैं, पता नहीं सब्सक्राइब क्यों नहीं कर पाते, प्लीज़ कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। पर फिर भी अगर आप देखते भी हैं तो ये आपका एक तरह का सपोर्ट ही है मेरे तरफ, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ आप सबकी कि आपने पूरा एक महीना इतना मुझे, मतलब इतना इंपॉर्टेंस दिया, मेरे वीडियोस को देखा। कई हैं मेरे वेल विशर्स जिन्होंने मुझे कई सारे कमेंट्स किए, मुझे कहीं कहीं पे सुझाव दिए अपने, कहीं कहीं पे किन्हीं ने मुझे बताया भी कि शायद मैं कुछ गलत डाइट कर रही हूँ। तो उन सबको मैं थैंक यू कहना चाहूँगी कि आप लोग ने इतना कंसर्न दिखाया, इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरी वन टू यू। लेकिन फिर भी आज का पूरा दिन अभी जर्नी बाकी है। आई होप सो कि मैं इसको 69,500 समथिंग ना ले जाऊँ फिर से रात तक। बट अगर हो भी जाए तो पता नहीं, देखेंगे उस वक्त रात को, तब हम फिर से बात करेंगे। आज ये आखिरी दिन है इस चैलेंज का, इसलिए मैं आपका थोड़ा ज़्यादा टाइम लेने वाली हूँ, दैट्स अ कन्फर्म। सो मिलते हैं लंच में, फिर डिनर में, शायद इवनिंग स्नैक्स में भी। अरे इन सब बातों में मैं आपको ये तो बताना भूल ही गई कि आज फिर से मैंने ब्रेकफास्ट के लिए ना ये पाइनएप्पल जूस तैयार कर लिया है, हेल्दी ब्रेकफास्ट, बिकॉज जर्नी इज नॉट बीइंग स्टॉप हियर, इट्स गोइंग ऑन, स्टिल इट्स गोइंग ऑन अंटिल एंड अनलेस आई रिकवर माई ओरिजिनल वेट। ऑफकोर्स आई, इट्स डिफिकल्ट टू रीच 55 इन शॉर्ट टाइम पीरियड, बट इवन दो मैं चाहूँगी कि अगले एक महीने में मैं कम से कम 3 kg तो कम कर ही लूँ, देखते हैं अब क्या होता है। बट अभी अभी आज के लिए मैं ब्रेकफास्ट में लेने जा रही हूँ पाइनएप्पल जूस। अभी बज रहा है दोपहर का एक, मुझे लगी है जोरों की भूख, लास्ट डे है। मैं सोच रही थी कि लास्ट डे को ना मैं थोड़ी पार्टी वार्टी करूँगी, बट नहीं, मुझे कल सुबह भी 68 हो ऐसा मैं सोच रही हूँ। सो मैं अभी बना के खा रही हूँ ये पोटैटो चिप्स की सब्जी, और उसके ऊपर आज ना मैंने दिल खोल के थोड़ी रतलामी सेव लगा ही ली है, तो ठीक है अब मैं खा लेती हूँ। वैसे तो ना मैं ये सब्जी अकेले खाने वाली थी, बट मेरा ना अंदर से पता नहीं मुंह जला हुआ है, तो मुझे बहुत 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 ही ज़्यादा स्पाइसी लग रहा है अभी। मतलब जो चीज़ स्पाइसी नहीं होती ना, थोड़ी सी स्पाइसी होती है, वो भी मुझे बहुत स्पाइसी लग रही है आजकल। तो इन छालों की वजह से ना मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा दही। अब वैसे भी ऐसी सब्जियाँ ना दही के साथ बहुत बढ़िया लगती है, मैंने ऐड कर दिया है थोड़ा सा दही और ये सब्जी, उसके साथ थोड़ी सी रतलामी सेव, और अब ना ये ऑसम कॉम्बिनेशन है
आप भी कभी ट्राई कीजिएगा। अभी बजे रात के 9:30 और दिस इज माई डिनर टाइम। बना लिए मैंने आलू पोहा, सिर्फ आलू पोहा नहीं बोल सकते, इसमें ऑनियन भी है। बाय द वे, द लास्ट डे ऑफ 30 डेज चैलेंज वेट लॉस जर्नी एंड इज द लास्ट डिनर ऑफ दिस चैलेंज। मेरा तो मन कर रहा है ना कि मैं कहीं बाहर जाऊं और जोरों का, मतलब क्या कहते हैं, आइसक्रीम वाइसक्रीम ये पिज्ज़ा विज़ा सब तपा के खाऊं। बट नो, आई एम नॉट गोना डू दैट मिस्टेक। काफ़ी मेहनत के बाद अब जब मैं इस स्टेज पर आई हूँ तो मैं थोड़ी ना ये गलती करूँगी। मैं कंट्रोल में ही खाऊंगी, क्योंकि मुझे वज़न फिर से बढ़ाना नहीं है, इसको मेंटेन करना है और इसको और भी कम करना है अभी। तो दोस्तों, वेट लॉस चैलेंज के आखिरी दिन की जर्नी आज ख़त्म होती है और देखते हैं कि सुबह ये जो 68.600 हो चुका था वो अभी रात को सोने से पहले, चलिए 69 kg है। इट्स रियली वेल मेंटेन्ड। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू माई सेल्फ एज वेल ऑल ऑफ यू हू सपोर्ट हैज़ गेट सक्सेस। सो कल फिर मिलते हैं, बात करते हैं, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।